तो भाई लोग बवाल हो गया। मैं कल घर वालों के दिए टुकड़े खा रहा था कि अचानक से अक्षय कुमार ने अपनी एक और नई मूवी अनाउंस कर दी, जिससे कि ये तो उम्मीद है कि शायद ये मूवी चलेगी। खैर तो शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं खिलाड़ी कुमार का खेल, जो कि उतने अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है कुछ समय से। मेरा मतलब कि अगर देखने जाए तो अक्षय कुमार की लास्ट पांचों फिल्में फ्लॉप रही थी। पर खैर छोड़ो दुख वाली बातों को, मगर मैं तो हंस रहा हूँ। पर खैर बैक टू द टॉपिक, अक्षय कुमार आने वाले साल यानी कि 2023 में 6 फिल्में ला रहे हैं जो कि अनाउंस्ड हैं। पर किसे पता कि कब बोनस में वो एक और फिल्म लॉन्च करते हैं, जहाँ की अगले साल इनकी पहली फिल्म आएगी सेल्फी, जो कि होगी इमरान हाशमी के साथ, जिसके बाद की दूसरी मूवी आएगी इनकी ओ माय गॉड 2, जो कि बेस्ड होने वाली है सेक्स एजुकेशन के ऊपर। फिर आएगी इनकी तीसरी मूवी जो कि एक रीमेक होगी सुरारे पोतारू, मतलब जो भी हो, मतलब कि अगर ओवरऑल बात करें तो सूर्या की एक मूवी आई थी उड़ान, जिसका कि रीमेक होने वाली है अक्षय कुमार की तीसरी मूवी जो कि अगले साल रिलीज होगी। और जो कि ये सूर्या की उड़ान मूवी का रीमेक होगी, तो शायद हो सकता है कि ये मूवी चल जाए क्योंकि इसकी स्टोरी तो बहुत उमदा होने वाली है। पर क्या पता कि क्या हो जाए, क्योंकि स्टोरी तो रत्शासन की भी अच्छी थी पर हागा तो इन्होंने यहाँ पर भी। पर खैर फिर आएगी इनकी बड़े मियां छोटे मियां, जो कि होने वाली है टाइगर श्रॉफ के साथ, जिसके बाद की अगले साल इनकी आखिरी मूवी आने वाली है कैप्सूल किल। और बड़े मियां छोटे मियां और कैप्सूल किल से पहले दिवाली के टाइम पे आने वाली है इनकी फिल्म, जो की होने वाली है विराट मराठे वीर दौड़ले साथ। माफ करना अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो। पर खैर तो मैं तुम्हें बता दूं कि अक्षय कुमार का कितना भी खराब दौर चल रहा हो, पर ये तो गारंटी है कि इस वाली मूवी से इनका कैरियर इनके ट्रैक पे आ जाएगा। और फिल्म का नाम भारी है तो अक्षय कुमार को काम भारी भी करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अगर इसमें भी पृथ्वीराज जैसा कॉम्प्रोमाइज किया तो पब्लिक कपड़े फाड़ देगी, क्योंकि मूवी में अक्षय कुमार रोल प्ले कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का, और ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि खौफ है औरंगजेब और उसके जैसे मुगलों का। और डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बॉलीवुड का माल नहीं है बल्कि मराठी इंडस्ट्री बना रही है इसे, जिसका की डायरेक्टर है अपने महेश मांजरेकर, जिन्होंने की वास्तव पिता और कुरुक्षेत्र जैसी भारी भड़कम फिल्म दी है हमें। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये मूवी पैन इंडिया मूवी होने वाली है, जहां की सबसे ज्यादा मेहनत और भार अपने अक्षय कुमार के कंधों पर है, क्योंकि एक तो उनका समय खास नहीं चल रहा बॉलीवुड में, ऊपर से ये बहुत बड़ा रोल है और ऐसा रोल है जिसपे कि दो एक्टर पहले से ही अपना हाथ जमाए हुए हैं, मतलब कि दो ऐसे एक्टर्स हैं जो कि पहले ही इस रोल के लिए अपनी एक्टिंग से एक लेवल सेट कर चुके हैं। पहले तो तान्हाजी वाले अपने शरद केलकर और दूसरे फतेह शिकस्त वाले चिन्मय मांजरेकर। माफ करना अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो। पर भाई तुम समझ रहे हो ना कि अगर अक्षय कुमार को अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाना है तो कितने बड़े कॉम्पिटिटर हैं उनके सामने। और हाँ, मेरे ऐसे कहने का मतलब ये नहीं कि वो खराब एक्टिंग करते हैं, भाई मुझे उनकी एक्टिंग पे कोई शक नहीं है, पर डर इस बात का है कि वो टाइम अच्छे से दे दे इस मूवी को, मतलब कि इस कैरेक्टर के पीछे वो अच्छा टाइम दे, उसको अच्छे से जीना शुरू करें उसको पहले। और हाँ, कल जो उनके टाइटल अनाउंसमेंट आई थी उसमें कमियां थी, जैसे कि अक्षय कुमार की बियर्ड थोड़ा रियलिस्टिक होनी चाहिए थी, पर खैर वो तो लोग सही कर देंगे आगे चलकर इस मूवी में। अभी तो बस अनाउंसमेंट था, एक साल अभी बाकी है इस मूवी को आने में। पर भाई तुम इसमें एक और चीज गौर करोगे कि अक्षय कुमार जब इसमें चलते हुए आगे आते हैं एज अ शिवाजी महाराज, तो तुम ऊपर में गौर करोगे कि इस जगह पे एक झूमर लगा हुआ है, और अगर तुम उस वाले झूमर पे गौर करोगे तो उस वाले डिटेल को तुम देख सकते हो कि भाई वहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे तो इन्वेंट ही नहीं की गई थी, मतलब उस वक्त भी एडिशन अपने माँ तो क्या अपने बाप के अंदर भी नहीं होगा। तो इन सब डिटेलिंग के ऊपर इनको काम करना पड़ेगा। और बाकी बात रही इसके बीजीएम की, तो बहुत अच्छी थी, फुल एनर्जी दौड़ गई मेरे रगों में और एकदम मस्त वाइब दे रही थी। पर एक बात और है कि इस वक्त अक्षय कुमार इसे एज अ फॉर्मेलिटी की तरह ना ले, मतलब कि एज अ फॉर्मेलिटी सिर्फ शूट पे चले जाना, एक शॉट में सब चीज खत्म कर देना, ऐसा ना करे वो, बल्कि एक आर्ट की तरह समय देकर इसे और निखारे। और बाकी हम सब तो वेट कर ही रहे हैं कपड़े फाड़ने की, क्योंकि अच्छी हुई तो अपने फाड़ेंगे और अगर खराब हुई तो तुम मेरे व्यूअर हो, समझदार तो हो ही तुम। और बाकी मुझे यहाँ पर जितना बताना था मैं तुम्हें बता दिया, तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मुझसे पर्सनल कनेक्ट होना चाहते हो, मतलब कि मुझसे कुछ बातें करना चाहते हो कुछ काम से रिलेटेड, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर आ जाना। और हाँ, देखते रहना ARSS।